आज के हम इस वीडियो में सल्फर इंडस्ट्री देखेंगे कि इंडस्ट्री में सल्फर का निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप हमारी चैनल पे आने वाली नए वीडियो पहले आप देख सकें। तो आप देखते हैं सल्फ़र, ये हेडिंग है सल्फ़र इंडस्ट्री। तो देखते हैं सल्फ़र, सल्फ़र जो होता है केमिकल फार्मूला सल्फ़र का एस होता है। तो जो होता है यह सल्फ़र जो होता है H2SO4 बनाने में बेसिक रॉ मटेरियल है। ये जो सल्फ़र का यूज़ क्या करते हैं, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का ये बेसिक रॉ मटेरियल है सल्फ़र, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, पहले किसी कंट्री में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को H2SO4 से ही आकलन किया जाता था। पहले के समय में क्या करते थे, इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को मापने के लिए, किसी कंट्री में इंडस्ट्री प्रोग्रेस को मापने के लिए हम H2SO4 से ही आकलन किया जाता था। तो इस प्रकार से देखिए, जिस कंट्री के पास जितना H2SO4 होता था, वह कंट्री इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उतना ही आगे माना जाता था। अर्थात जिस कंट्री के पास जितना H2SO4 होता था, वह कंट्री, वह जो इंडस्ट्री होता था, उसे उतना ही आगे माना जाता था। भारत के सल्फ़र की क्षमता, USA के सल्फ़र की क्षमता का 1/25 भाग, या हम कह सकते हैं चौथा भाग है। जबकि आज भी USA में उतना ही सल्फ़र है जितना कि सन 1900 में थी, ठीक है। ये देखिए, अब अगला हेडिंग देखेंगे, पेटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ़र। तो जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र है द केमिकल फार्मूला एस होता है, इसे एस से हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। जबकि इसका एटॉमिक वेट जो होता है 32.07 होता है। नेचुरल में सल्फ़र के क्रिस्टल जो होते हैं, दो रूप में पाए जाते हैं। नंबर एक क्या होता है, रोम्बिक सल्फ़र होता है। नंबर दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है। अब हम पहला देखेंगे रोम्बिक सल्फ़र, जिसे हम विषम कोणीय सल्फ़र कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सल्फ़र के ऐसे क्रिस्टल जिनकी लंबाई चौड़ाई इक्वल हो तथा सभी अक्ष अर्थात कोने 90 अंश पर हो, परंतु हाइट जो होती है, ऊंचाई इक्वल ना हो, रोम्बिक सल्फ़र कहलाता है। अब रोम्बिक सल्फ़र की मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 112.8 सेंटीग्रेड होता है, तथा ब्यूलिंग पॉइंट जो होता है 444.6 सेंटीग्रेड होता है। सॉलिड फॉर्म में इसकी स्फेटिक डेंसिटी जो होता है, अर्थात स्फेटिक ग्रेविटी जो होता है 2.07, तथा लिक्विड फॉर्म में या 1.03 होता है। तो अगला देखेंगे मोनोक्लिनिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो होता है, यह सल्फ़र के ऐसे क्रिस्टल्स जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ बराबर होती है, बट ऑल एच आर नॉट एट 90 अंश इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फ़र। इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 119 सेंटीग्रेड होता है, तथा ब्यूलिंग पॉइंट जो होता है 444.6 सेंटीग्रेड होता है। और सॉलिड में मोनोक्लिनिक सल्फ़र की स्फेटिक डेंसिटी जो होता है, स्फेटिक ग्रेविटी का 1.96 होता है, तथा लिक्विड में इनका जो होता है 1.083 होता है। तो इसी प्रकार देखेंगे, सल्फ़र इज इनसोल्युबल इन वाटर, अर्थात सल्फ़र जो होता है जल में अघुलनशील होता है, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लिक्विड NH3। किंतु क्या होता है, सोल्युबल होता है, घुलनशील होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लिक्विड NH3, मतलब अमोनिया में क्या होता है, घुलनशील होता है। नोट देखते हैं, रोम्बिक जो होता है सल्फ़र जो होता है, तथा मोनोक्लिनिक सल्फ़र के केवल शेप मतलब आकार में डिफरेंस
होता है, मतलब आकार में इससे भिन्न होता है, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों के ब्यूलिंग पॉइंट जो होता है एक ही होते हैं, और लिक्विड फोरामिन डेंसिटी भी एक ही होते हैं।